नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निफ्टी की। और कल हमने यहाँ डिस्कशन किया था कि निफ्टी अभी जहाँ खड़ी थी वहां से मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट एक बार नीचे ही आए, क्योंकि मार्केट में अभी करेक्शन का फेज है और मार्केट यहाँ से जहाँ खड़ी थी वहां से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम थी। आज आपने देखा कि मार्केट हल्के गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और मार्केट, हम यहाँ कई दिनों से कह के जा रहे थे कि मार्केट एक बार 19,600 के आसपास आएगी, क्योंकि यहाँ जो आप डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके देखिएगा तो एक पैरेलल चैनल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई थी, तो यहाँ रीटेस्ट करने के लिए एक बार मार्केट को यहाँ आना ही था। इसलिए हम यहाँ बार बार कह रहे थे कि 19,600 तक मार्केट एक बार आएगी। अब यहाँ आगे की जो संभावना है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट में अभी देखिए, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ अभी मार्केट आज क्लोजिंग देके गई है 19,660 के आसपास, और ये जो नीचे सपोर्ट एरिया है ये ज्यादा दूर नहीं है। मार्केट नीचे आई है और यहाँ से अभी रिटेस्ट करके ऊपर चली गई है, तो मार्केट अभी हो सकता है कि यहाँ थोड़ा समय बिताए, उसके बाद किसी तरह का फिर मूवमेंट दे। या तो यहाँ से ऊपर जाना है तो ऊपर की ओर निकलेगी, या फिर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है और नीचे मार्केट आएगी बेयरिश साइड पे। लेकिन ज्यादा जो संभावना लग रही है दोस्तों, क्योंकि अभी जहाँ है यहाँ थोड़ा समय बिताएगी, इसलिए कल थोड़ा कम ट्रेड ले, या तो बुल साइड पे या बेयर साइड पे जो भी आपको मौका मिलता है तो थोड़ा हल्के पोजीशन के साथ ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा है। ये ब्रेक कर जाती है 19,600 को और यहाँ से फिर किसी तरह का प्राइस सेक्शन बनाकर नीचे मार्केट एक बार जाती है बेयर साइड पे, तो फिर एक यहाँ आपको एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर मौकों पे ऐसे जगह पे देखा जाता है कि जब भी एक मेजर सपोर्ट एरिया में होते हैं तो यहाँ से मार्केट थोड़ा समय बिताती है, मार्केट यहाँ से एकदम से मूवमेंट नहीं देती है। तो कल यहाँ किसी तरह का प्राइस सेक्शन बनने दे, उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड ले। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एकदम से थोड़ा सा बाउंस ले ले और मार्केट ऊपर की ओर निकल जाए, या फिर यहाँ समय बिता कर नीचे आती है, तो एक थोड़ा वेट कर ले, देख ले कि किस तरह का प्राइस सेक्शन बन रहा है। अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो फिर नीचे आपके पास एक बड़ा टारगेट होगा, बेयर साइड पे एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। अभी जहां मार्केट खड़ी है यहां से नीचे के साइड आती है, तो अभी 19,600 एक यहां पहला सपोर्ट होगा। 19,600 को ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर आती है तो 19,400 का एरिया जो होगा आपका यहां नेक्स्ट टारगेट होगा बेयर साइड पे। अगर मार्केट जहां खड़ी है यहां से एकदम से अगर बाइंग आ जाए और यहां से ऊपर के साइड जाती है, तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे 19,850 का। हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट एक डबल टॉप लगा करके मार्केट यहाँ नीचे आ रही है। आज यहाँ काफी अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिला और मार्केट में एक अच्छा कह सकते हैं कि बेयर साइड पे आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही पैसे बनाने के एक अच्छा मौका मिला है। अब यहाँ जो हम खड़े हैं यहाँ से आप देखिएगा कि मार्केट एक डबल टॉप बना करके नीचे आ रही है और अभी यहाँ ब्रेकआउट के आसपास खड़ी है। यहाँ पे जो एरिया है ये 45,650 का, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ थोड़ा समय बिताए और उसके बाद ब्रेकआउट दे, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करके और फिर यहाँ रीटेस्ट करने के लिए से जाए, उसके बाद मार्केट नीचे आए। यहाँ एक प्रेस सेक्शन बनने दीजिएगा, एकदम से जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, और यहाँ प्रेस सेक्शन बनने के बाद अगर नीचे आती है मार्केट तो फिर पहला जो टारगेट होगा यहाँ दोस्तों वो होगा 45,300 का, और दूसरा जो टारगेट आपके पास होगा वो होगा 44,800 का। यहाँ एक बार मार्केट आपको आते हुए दिखेगा, और जब भी देखिए इस तरह का डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद मार्केट आती है ना, ये इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, ये एम पैटर्न बनाकर मार्केट जब भी नीचे आती है तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी ये मार्केट रीटेस्ट करने के बाद नीचे आएगी तो काफी तेज आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा, और ये जो मूवमेंट होगा ये काफी बड़ा भी होगा। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने का प्रयास करती है तो थोड़ा सा रुक जाए, यहाँ किसी तरह का प्राइस एक्शन बनने दे, या फिर किसी तरह का यहाँ बुलिश कैंडल जो होता है वो बनने दे, उसके बाद ही यहाँ ट्रेड के बारे में सोचें। और ऊपर के साइड में भी यही कहूंगा दोस्तों कि एकदम से ट्रेड ना ले, थोड़ा सा किसी तरह का यहाँ प्राइस एक्शन अगर बुलिश के पैटर्न बनता है तब ले, वो भी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि डबल टॉप के बाद मार्केट में अभी जहाँ हम आ गए हैं एक मेजर सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट एक बार नीचे जाने की संभावना ज्यादा लग रही है। कल किसी तरह का जल्दबाजी में यहाँ ट्रेड नहीं लीजिएगा,
यहाँ किसी तरह का प्राइस सेक्शन बनने दीजिएगा, और बेयर साइड पे अगर मौका मिलता है तो बेयर साइड पे ही ट्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।